अलहमदिल्लादिल्ला वसलात वसूल आज के दर्स में एक छोटा सा ज़िक्र और उसका अजीम फ़ायदा ये हम देखेंगे और ये ऐसा ज़िक्र है हम सबको मालूम है और पढ़ते भी हैं लेकिन उसका फ़ायदा जो है आज उसके ताल्लुक़ से हम कुछ बातें देखेंगे और ये हदीस अबू दाऊद और दूसरी जो सोनन की किताब है उसमें यह हदीस मौजूद है। हैरत अनस रजी अल्लाह तरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल वसल्लम ने बयान फरमाया कि इदा जर रजुल बैती ही। जब बंदा या जब आदमी अपने घर से निकलता है और घर से निकलते वक्त कला वो कहता है बसमल्ला तोल तो आल्ला लाह उला वाला तीन अल्फाज तीन जुमले हैं जब कोई बंदा अपने घर से निकलता है और ये क़लेमात कहता है बिस्मिल्ला तवक्ल तो आल्ला तो फयुकाल ही नई जिन उसी वक्त कहा जाता है एक रिवायत में है फुकाल हसबुक कहा जाता है बस तेरे लिए हो गया बस 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 इतना काफी है कहा जाता है कौन कहने वाला कहने वाला कौन है अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह की तरफ से कहा जाता है खुद अल्लाह कहता है बाद ने कहा कि फरिश्ता कहता है बाद ने कहा अल्लाह कहता है क्या कहता है जवाब में बंदा तीन जुमला बोलता है फिर अल्लाह उसके जवाब में अल्लाह की तरफ से तीन जुमले कहे जाते हैं बंदा तीन जुमला कहता है अल्लाह की तरफ से तीन जुमले आते हैं जवाब में उसके क्या है वह कुफीता अब देखिए इसका जो तीन जुमला बंदा बोलता है बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से नंबर एक तवक्कल तो अल्लाह मैं भरोसा करता हूं तवक्कुल करता हूं अल्लाह पर तवक्कुल का मतलब अपने पूरे मामले को अल्लाह के हवाले कर देना पूरा कि अल्लाह मैं नहीं कर सकता अब तू तेरे ऊपर सारा सब कुछ मैंने तेरे ऊपर डाल दिया अल्लाह तू ही मामले बनाने वाला है यह तवक्ल होता है और ला वला इल्ला लाह कोई भी खैर को पाना और शर से बचना तेरी तोफी के बगैर नहीं होता यह कह के जब बंदा यह कहता है तो अल्लाह की तरफ से जवाब आता है खुदीता तुझे हिदायत मिल गई तुझको हिदायत मिल गई हिदायत पाने का एक जरिया घर से निकलते वक्त ये जिक्र है हिदायत अल्लाह की सबसे कीमती दौलत है इस दुनिया में हिदायत से बढ़ के नेमत और कोई नहीं है अगर इससे बड़ी कोई नेमत होती तो हर नमाज की हर रकात में अल्लाह ताला उसे मांगने के लिए हुक्म देता हर रकात में क्या मांगने का कहा दिन सिरातलमस्तफ़ी तो हिदायत मांगने का हुक्म हर रकात में है यानी सबसे बड़ी नेमत यह है इससे बड़ी कोई नेमत होती तो अल्लाह उसको मांगने के लिए हर रकात में कहता तो जब बंदा यह जिक्र करता है तो पहला अल्लाह की तरफ से जवाब आता है हुदीता, तुझको हिदायत मिल गई हिदायत पा गया का, हिदायत पा गया यानी एक तो यह कि तुझे तौफीक मिल गई इस घर से निकलते वक्त जो कहना चाहिए था जो नबी का फरमान था तुझको वो कहने की हिदायत मिल गई कितने लोग होते हैं जानते हैं मालूम भी है याद भी है लेकिन पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती तो इसे तौफीक मिली हुदीता अल्लाह की तरफ से कहा जाता है तुझे हिदायत मिल गई यानी तुझे इस मौके पर वो कहने की हिदायत मिल गई तुझको मिल गई बहुत से लोगों को तौफीक नहीं मिलती है बस फोन लिए हैं बात करते करते निकल गए कुछ कहते कहते घर से निकल गए चले गए लिफ्ट पकड़ लिया नीचे उतर गए फोन पे बात चल रहा है कुछ नहीं बोला तो कितने लोग होते हैं कि जो बिजी होते हैं पहले से घर में ही बिजी होते हैं किसी बातचीत में और कहते कहते निकल जाते हैं तो हुदी था तुझको हिदायत मिल गई अल्लाह की तरफ से तोफीक मिल गई तुझको तू जो है ये कह दिया तुझको इस मौके पर यह पढ़ने की तोफीक मिल गई दूसरा जवाब अल्लाह की तरफ से आता है वह कुफीता कुफीता तेरे लिए काफी हो गया तुझे एक किफायत मिल गई किफायत यानी हर इंसान जब घर से निकलता है तो उसके सामने एक फिक्र होती है कहां जा रहा है हा? कोई आदमी हॉस्पिटल जा रहा है इलाज का मसला है कोई आदमी ऑपरेशन का मसला है कोई आदमी कोर्ट में जा रहा है यानी उसके सामने एक फिक्र है घर से निकला ना तो एक फिक्र होती है उसको तो मैं कहां जा रहा हूं बहुत सारे लोग होते हैं अपने घर से निकलते हैं एक टेंशन में निकलते हैं एक फिक्र में निकलते हैं तो अल्लाह तेरे लिए काफी हो गया अल्लाह की तरफ से जवाब आता तूने कहा ना तवक्कल तो तो जवाब में क्या है कुफीता अल्लाह की तरफ से तू जा रहा है ना टेंशन है ना फिक्र है आगे क्या होगा नहीं होगा ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा कोर्ट में क्या होगा ये क्या क्या होगा जो फिक्र लेके जा रहा है ना कुफीता अल्लाह तेरे लिए काफी हो गया कुरान में अल्लाह फरमाता बिकाफिन क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है तो तू घर से निकलते वक्त ये कहा ना कि तवक्कल तो अल्लाह तो जवाब अल्लाह की तरफ से आता है कुफीता अल्लाह तेरे लिए काफी हो गया तो जो तेरे सामने टेंशन है ना टेंशन मत ले फिक्र मत कर सब हल हो जाएगा अल्लाह तेरे लिए काफी है मसला हल कर देगा और तीसरा जवाब आता अल्लाह की तरफ से वो उकीता तू बचा लिया गया जब इंसान घर से निकलता है तो उसके सामने पूरे फितने खुले होते हैं घर में जब तक होता है ना महफूज होता है कि आदमी की सलामती फितनों से यह है कि अपने घर में लाजिम पकड़ ले जब तो घर से बाहर बंदा निकलता है तो फितने पूरे खुले होते हैं हाँ बाजार में जा रहा है झूठ चोरी धोखा हाँ नजरों का फितना कितना फितना होता है वह उकीता अल्लाह की तरफ से जवाब आता है तू बचा लिया गया यानी जितने फितने हैं जित चाहे वो दुश्मन की तरफ से हो तुझको पहुंचने वाले थे जितने शर हैं जितनी तकलीफ हो सकती है तू घर से निकला ना जो तकलीफ तुझे पहुंच सकती थी इंसानों की जानिब से या शैतान की जानिब से तू उन सब से बचा लिया गया उस सारे शर से तू बचा लिया गया उसके बाद नबी फरमाते हैं वह तन शैतान कि शैतान उस बंदे से दूर भाग जाता है दूर हटता है जब बंदा ये कह के निकलता और अल्लाह की तरफ से तीन जवाब उसको आता है तो शैतान फौरन उससे दूर भाग जाता है और दूसरे शैतान से कहता है या दूसरा शैतान इससे कहता है देखिए हर इंसान के साथ एक शैतान है जिसको करीन कहा जाता है करीन हर इंसान के साथ है जो उसको हमेशा गुमराह करने के पीछे वसवसा डालना गलत ख्याल लगा रहता है अब ये कहाँ तो फौरन वो हट गया यानी अब उसका फितना कमजोर हो गया वो नहीं कर सकता उसका पावर कमजोर हो गया नहीं फितना नहीं जा सकता है। दूसरा शैतान इसको बोलता है कि तुझको इस आदमी पर तेरा पावर कैसे चलेगा कई फा बेराजुल कईुल बेरा तेरा पावर इस पर कैसे चलेगा तेरा बस कैसे चलेगा कदहुदिया, व वह कुफिया वह रुकिया जो अल्लाह की तरफ से हिदायत पा चुका है अल्लाह की तरफ से किफायत मिल चुकी है अल्लाह की तरफ से बचा लिया गया है अब तेरा पावर इस पर कुछ भी नहीं चलेगा इतनी जामे दुआ या जिक्र है कितने सारे लोग हम सब घर से निकलते हैं या तो कितने लोग पढ़ते नहीं या जो कुछ लोग पढ़ते हैं लेकिन वो अल्फाज की हद तक होता है उसकी माने की गहराई में नहीं जाते ये कितना अहम जिक्र है ये तो ये जो है छोटा सा जिक्र है जब भी हम घर से निकलें तो ये दिल की गहराइयों में और दिल के अंदर से ये निकलना चाहिए अल्लाह तब कल तो आल्ला इल्ला बिल्लाह तो अल्लाह की तरफ से हिदायत मिलेगी अल्लाह की तरफ से किफ़ायत मिलेगी यानी जो टेंशन आगे है वो ख़त्म हो जाएगा अल्लाह उसको दूर करेगा वक़ायत यानी अल्लाह ताला सारे शर से बचा लेगा अल्लाह ताला हम सब लोगों को ये जिक्र रोज़ आना जब भी हम घर में चाहे दस बार घर से बाहर निकलें जब भी हम निकलें हमारी जबान से निकलते वक्त ये जिक्र अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि ये जिक्र हमारी जबानों पर आए आमीन तकबल या रब्बल आलमीन सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका